देखिए ये जो फतेहपुर सीकरी आप यहाँ देखने के लिए आए, यहाँ पर दो जगह बना हुआ है, दोनों ही जगह अलग अलग है। यानी उसकी तीन रानियाँ थी, जो तीनों ही रानियाँ अलग अलग धर्म से थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। नमस्कार, राम राम। स्वागत है फूड एंड ट्रैवल टेल्स के नए वीडियो में। इस वीकेंड मैं एक्सप्लोर करने की सोचूं हूं आगरा साइड। मौसम ठीक ठाक है, चिपचिप वाला सा हो रखा है वैसे तो, पर क्लाउडी सा है। धूप कोनी तो काम चल जाएगा और बारिश आ गई तो सही माहौल बन सका है। तो आज का प्लान है फतेहपुर सीकरी जाऊँगा पहले तो। आज दिन में फतेहपुर सीकरी, सामने रही मत तो रेड फोर्ट वगैरह एक्सप्लोर करूँगा और ताजमहल एक्सप्लोर करूँगा। कल सुबह मॉर्निंग में ठीक रहा हुआ वहाँ पर तो फोटोग्राफी का तर भी ठीक रहा हुआ उस टाइम का हिसाब किताब। तो बने रही हो अपने वीडियो में। पहली बार अगर वीडियो देखने लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई सजेशन हो कि खान पीन का कुछ बढ़िया हो आगरा में या फिर और देखने वाली कोई जगह हो जो एक्सप्लोर करी जा सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी देखते हैं कैसा रहता है हिसाब किताब। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक, दिखाता हूँ। एक दो मिनट सिधर आ जाए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ के बारे में। सर देखिए ये जो फतेहपुर सीकरी आप यहाँ देखने के लिए आए, यहाँ पर दो जगह बना हुआ है, दोनों ही जगह अलग अलग है। फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है। अच्छा। दरअसल ये जो सामने आप लोग आबादी देख रहे हैं, इस पूरे आबादी को फतेहपुर बोला जाता है, क्योंकि इस जगह का जो नाम रखा था वो बाबर ने रखा। अच्छा। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट मुगल आया था बाबर, अकबर का वो ग्रैंड फादर था, लेकिन बाबर ने यहाँ आकर कोई बिल्डिंग नहीं बनाया था। यहाँ बाबर की एक लड़ाई हुई थी 1527 में, लड़ाई बाबर ने जीता था, उर्दू में जीत को फतेह बोलते हैं, तो उसने नाम रखा था फतेहपुर। और जो सीकरी बना हुआ है वो इसके पीछे पुराना गांव है, ओल्ड विलेज। यानी ये दोनों जगह मिलाकर कंबाइंड में फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। अभी आप लोग जिस दरवाजे से अंदर एंट्रेंस करेंगे, इस दरवाजे को बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा। बादशाही जो दरवाज़ा है सर, वो बादशाह अकबर के जाने का था, क्योंकि इसी दरवाजे से अकबर हर फ्राइडे के दिन अंदर जाया करता था नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अंदर इसके जमा मस्जिद बना हुआ है। इसी के अंदर एक दरगाह पीर बाबा का, जो आपने कभी नाम सुना होगा सर, हज़रत शेख सलीम चिश्ती। अच्छा। क्योंकि वो अकबर के गुरु थे, जिनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला था, तभी अकबर ने इस किले को बनाया। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे, शूज़ आर नॉट अलाउड इनसाइड, क्योंकि यहाँ दरगाह और मस्जिद है। तो अभी हम लोग शूज़ यहाँ वॉचमैन के पास खोलेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। आइएगा। इधर ही दे दिए। चलो
फोटो बनवाएंगे सर, फोटो देखिए सर जी, आप लोग ये जो पूरा एरिया यहाँ देख रहे हैं सर, इसी पूरे एरिया को फतेहपुर फोर्ट कहा जाता है और यही पूरा फतेहपुर सीकरी किला है जो बादशाह अकबर ने बनवाया था। और बादशाह अकबर ने इस किले को अपने बच्चे की खुशी में यानी जहांगीर की में बनाया था। अच्छा। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट मुग़ल आया था बाबर, अकबर का वो ग्रैंड फादर था। बाबर के बाद आया था हुमायूं और हुमायूं के बाद आया था अकबर। लेकिन अकबर जो फतेहपुर सीकरी आया था वह केवल एक औलाद की खातिर यानी बच्चे की खातिर आया था, क्योंकि मुग़लों का जो फर्स्ट कैपिटल, पहला जो राजधानी वो दिल्ली था। और अकबर की तीन वाइफ थी यानी उसकी तीन रानियां थीं, जो तीनों ही रानियां अलग अलग धर्म से थीं, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। नाम था जोधा बाई, टर्की सुल्ताना और मरियम। लेकिन जो मुस्लिम रानी थी उसे रुकैया बेगम भी कहा जाता था। पर बादशाह अकबर के उन तीनों रानियों से सर कोई औलाद नहीं थी, अकबर पर कोई बच्चा नहीं था। तो अकबर एक बच्चे के लिए काफ़ी परेशान था। अकबर एक औलाद की खातिर दिल्ली से अजमेर गया था। अजमेर शरीफ में एक दरगाह है ना राजस्थान में, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का है। लेकिन हमारे यहाँ जो दरगाह है, ये जो वाइट वाला आप लोग सामने देख रहे हैं, यही मेन दरगाह है यहाँ पीर बाबा का, हजरत शेख सलीम चिश्ती का, जिनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला था, महारानी जोधा बाई से लड़का हुआ था, जिस लड़के का नाम अकबर ने सलीम रखा था सर। क्योंकि अकबर के लड़के के नाम तीन रखे गए थे, फर्स्ट नेम सलीम रखा था जो बाबा के नाम पर रखा गया था। लेकिन बादशाह अकबर उसका नाम नहीं लिया करता था, उसको वो प्यार में कहता था शेखू बाबा, यानी शेख की दुआ से पैदा हुआ था। जब उसने राजनीति संभाली, वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर के मायने होते हैं सारे जहां का बादशाह। तभी अकबर बादशाह ने इस पूरे फतेहपुर सीकरी किले को यहाँ बनाया था। ये जो फोर्ट बनाया गया था सर, वो 1570 में स्टार्टिंग करा था, 1570 स्टार्ट, 1582 कंप्लीट, यानी 1582 में बनकर रेडी हो चुका था। ये जो वाइट दरगाह आप लोग सामने देख रहे हैं, ये दरगाह अकबर ने लाल पत्थर का बनाया था, रेड स्टोन का। लेकिन जब उसका लड़का बड़ा हुआ था जहांगीर, और उसे ये मालूम हुआ था मैं इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, तो उसने रेड स्टोन के ऊपर ये मार्बल यहाँ लगाया था। आप इस जगह पर जितना भी मार्बल देख रहे हैं जहांगीर के टाइम का है, और जो लाल पत्थर है वो अकबर के टाइम का है, क्योंकि अकबर को रेड पत्थर पसंद था, जहांगीर को वाइट। इसी दरगाह के अंदर आज भी यहाँ तीन साइड में वो स्क्रीन है, जिस जगह पर लोग यहाँ धागे बांधते हैं, लोग अपनी विशेष करते हैं मन्नत, जो भी लोग यहाँ विश करते हैं 100% सक्सेसफुल होता है। और ये दरवाज़ा देखिएगा सर आप, जिसे वर्ल्ड फेमस गेट बोला जाता है, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद मीन्स हाइट है, दरवाज़ा मीन्स डोर। दरवाजे की हाइट हम लोग उधर चलकर देखेंगे, अभी हम लोग इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। इस दरवाजे से सर लोकल पब्लिक आती थी, क्योंकि ये आम पब्लिक के आने का गेट था। और आपने जहाँ से एंट्री करी थी बादशाही दरवाजे से, फॉर रॉयल फैमिली एंट्रेंस, यहाँ से अकबर और फ्राइडे के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ सामने आता था, क्योंकि वो जो एरिया आप देख रहे हैं सर वो मस्जिद का है। आज भी वहाँ नमाज़ पांचों वक्त की होती है, जहाँ 5 टाइम का लोग प्रे करते हैं। और आप लोग इस जगह पर ये रूम देखिएगा सर, यहाँ जो कमरे बनाए हुए हैं, ये 83 रूम है 83, जो अकबर के टाइम में एक स्कूल चला करता था, क्लासरूम, जहाँ बच्चे लोग पढ़ा करते थे। पढ़ाने वाले जो टीचर थे ना सर, उनका नाम था अबुल फजल, जिन्होंने एक बुक लिखी थी आईने अकबरी और अकबरे नामा, क्योंकि वो उन्हीं की बुक लिखी हुई थी। तो क्लासरूम यहाँ से क्लोज है, बंद किया हुआ है, लेकिन आज भी जो बच्चे लोग पढ़ते हैं वो वहाँ दरगाह के पीछे हैं। तो अभी हम लोग जो चलेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो फर्स्ट विजिट करेंगे वो बुलंद दरवाज़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गेट है। प्लीज़ कम आइए। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब कोई विश करोगे तो आपको रिटर्न नहीं आना पड़ेगा, धागा खोलने अपने घर पर गरीबों को प्रसाद बांट सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ का एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, क्योंकि यहाँ ऑफ इंडिया से हैं लोग, यहाँ आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, तो लोगों को ज़रूरत नहीं होती है रिटर्न आने के लिए, बहुत से लोग नहीं आ पाते, तो अपने घर पर गरीबों को प्रसाद बांट। Thank you.
लौट कर आओ एंड यू सी दिस सर, यहाँ देखिएगा आप ये जो दोनों फाटकों पर जो नाल देख रहे हैं ना घोड़ों के, ये सारे यहाँ पर सर लकी हॉर्स हुज है। जैसे किसी आम पब्लिक का घोड़ा बीमार होता है, लोग दरगाह पर जाते हैं, वहाँ मन्नत करते हैं, उनका जब घोड़ा ठीक हो जाता है मार्क से नया नाल लगाकर यहाँ लगाते हैं यादगारी के लिए, मेमोरी के तौर पर आज भी यहाँ नाल लगाए जाते हैं। और आप लोग ऊपर देखिएगा सर, जो बड़े वाले दो नाल देख रहे हैं वो किसी घोड़े का पैर बड़ा नहीं था सर जी, लेकिन ये नाल यहाँ पर ब्रिटिश लॉर्ड कर्जन ने अपने नाम की वजह से साइज को बड़ा कर सन 1905 में लगाया था। और आप लोग ये बुलंद दरवाजे की हाइट देखिएगा, जिसे वर्ल्ड फेमस गेट बोलते हैं, सामने आइए। एंड यू सी दिस हाइट, ये हाइट देख लीजिएगा आप लोग, इसी गेट को बोलते हैं मेन गेट बुलंद दरवाजा। बुलंद मीन्स हाइट है, दरवाजा मीन्स डोर। दरवाजे की जो हाइट है ना सर, नीचे जो रोड आप यहाँ देख रहे हैं, नीचे रोड से हाइट और ऊपर टॉप तक है 176 फीट, यानी 176 फीट की हाइट है। और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ना सर प्लेटफॉर्म पर, यहाँ से हाइट है 134 यानी 134 फीट। इसका जो आर्च है ना चौड़ाई वो 90 फीट का है। थ्री साइड राइटिंग ऑफ कुरान कॉपी टू ताज, इसका जो नकल है वो ताज पर किया हुआ है। यहाँ आप लोग रेड स्टोन में देख रहे हैं, लेकिन जब आप ताजमहल देखेंगे तो सबसे पहले गेट पर ब्लैक स्टोन से लिखा हुआ है। अच्छा, और ये आबादी देखिएगा जो मैं आपको बता रहा था फतेहपुर का, सीकरी की आबादी इसके बैक साइड में है ओल्ड विलेज, जो मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। आप लोग ये नीचे में ब्लैक डॉग्स देख रहे हैं ना सर, काले वाले, ये उस जमाने के शाही हमाम है। हमाम मीन्स स्नान करने की जगह थी। अच्छा। अकबर का ये कहना था जो भी कोई मेरे गुरु की दरगाह पर जाएगा पहले यहाँ स्नान करेगा, नहा धोगा बाद में अंदर जाएगा। अच्छा। बट पानी सूख चुका है तो गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया है। लेकिन आप एक वॉल देखिएगा जो जंगल के एरिया में नजर आता है ना टूटा टूटा, ये पूरा ही इस किले का बाउंड्री बना हुआ है, 10 किलोमीटर के एरिया में फैला है। अच्छा। इस बाउंड्री के अंदर अकबर ने 9 दरवाजे रखे थे सर, 8 गेट आम पब्लिक के लिए, 1 गेट अपने आने के लिए। जिधर से आपकी गाड़ी पास हुई थी ना 2 किलोमीटर पहले आपने गेट देखा होगा, आगरा ही गेट को बोलते हैं, वहां से अकबर आता था, बाकी के 8 गेट हम पब्लिक के लिए थे। हाँ। तो अभी आप अगर दरवाजे का फोटो लेना चाहें ले लीजिएगा, फिर आप लोग अंदर चलेंगे। ठीक। जालियां हैं वन पीस के अंदर, लेकिन आप ये जाली देखिएगा वन पीस का है, इसमें जॉइंट नहीं है। लेकिन आप इसी जाली को थोड़ा दूर से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा जिसके कांच फुट किया हुआ है, पर इसके अंदर ना कोई कांच है ना कोई जॉइंट, रियल मार्बल का जाली है। जाली की खूबसूरती आप सामने से देखिएगा सर, इधर से आएंगे आइए। यहाँ से देखिएगा आप जाली को, ऐसा नजर आता है जिसके कांच फटके हुए हैं, पर इसके अंदर ना कोई कांच है ना कोई जॉइंट, रियल मार्बल की जाली है। आज भी हमारे यहाँ जो सीकरी गांव है सर, सेम इन जालियों का वर्क करते हैं। अच्छा। जूम होता है? नहीं जूम नहीं होता। हार्वेस्टिंग का सर पीछे देख के, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम था, जैसे कि उस टाइम में जब बारिश होती थी तो जो छत का जो पानी होता था वो सारा पिलरों में से यहाँ से निकलता था नीचे गिरता था। अच्छा। अंडरग्राउंड नाली है, सारा पानी वहाँ जमा होता है, इस पानी को लोग पीने के यूज़ में लेते हैं, होली वाटर समझ कर पिया जाता है। और ये वाला एरिया पूरा मस्जिद का है सर, जो आज भी यहाँ नमाज होती है 500 टाइम की, यहाँ 5 टाइम का लोग प्रे करते हैं। अच्छा। तो ये जो इंसेंस है ये वहाँ जला दीजिए आप, इंसेंस जलाए ना अगर व्यक्ति वहाँ जलाइए, वहाँ जलाने वाला बेटर रहता है, ये रख के आ जाना। विकास की कब्र के बीच में वो नेट लगा हुआ है सपोर्ट के लिए, पत्थर गिरता है ना किसी के लगे नहीं इस वजह से। तो ये मस्जिद है, आज की नमाज होती है। सो नाउ यू आर बैक टू द गेट, जिस गेट से आई।